आज की सुनो, मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6/5 में कितने 1/10 है, हमसे ये पूछा गया। इसमें ये पूछा गया इसके अंदर कितने 1/10 है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि चार में कितने 2 है, ठीक है, यानी इस 4 के अंदर कितने 2 है, आप क्या बता सकते हैं? आप इसका 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, आप इसका फैक्टर करके बता सकते हैं, यानी 2 × 2 करके आप बता सकते हैं। ठीक है, यानी 4 के अंदर कितनी बार आपको 2 मिलेगा, 2 बार आपको 2 मिलेगा, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि आप क्या करें, इससे इसमें आप भाग दीजिए। ठीक है, पूछा कि 4 में कितने 2 है ना, करना है कि आपको इससे इसमें भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे 4 में तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार जाएगी। जितनी बार भागे अर्थात आप बता सकते हैं क्या 4 में कितनी बार आपको 2 मिलेगा, 2 बार आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो इससे कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन लगे, करना है कि आपको इससे इसमें भाग देंगे। हम लोग भी यहाँ से क्या करें, इससे इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आप यहाँ से लिख लिए 6/5। अगर ये जो भाग का सिंबल आप इससे गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करना, आपको ये वाला पलटना पड़ेगा। ठीक है, जो भाग का सिंबल है आप इसे गुणे के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आपको क्या करना होगा, पलटना पड़ेगा। आप इसे पलट दीजिए, अगर आप पलट देंगे तो यहाँ से कितना है, 10/1। इसको यहाँ से काट दो, कितने करिए, 5 × 10 हो गया। अब काटने की बात करना है कि इसका गुणा कर लीजिए, अगर आप यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल गया, 6 × 12। अर्थात आप बता सकते हैं कि 6/5 में कितने 1/10 है, तो कितने बार मिलेगा आपको 1/10, यानी कितने बार मिलेगा, 12 बार मिलेगा। बी ऑप्शन किसका मैच कर, इसमें करना है क्या, आपको इससे इससे भाग दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1/1/2 में कितने 1/2 है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के भी आंसर बता सकते हैं। एक बार आपको 1/2 मिल गया, यानी 1 के अंदर कितना आधा मिलेगा, अगर आप क्या कर लेंगे, 1+1, यानी आप इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 के अंदर कितना मिलेगा, 2 बार आपको आधा आधा मिलेगा, और 1 पहले से कुल कितनी बार मिल जाएगा, 3 बार आपको मिलेगा। कितनी बार मिलेगा आपको, 3 बार मिलेगा। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इससे क्या करें, इसमें भाग दीजिए। ठीक है, अब करना है कि इससे इसमें भाग दे, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, इसको 2 × 1 = 2 हो गया, 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको भाग देना है। अगर आप भाग के सिंबल को गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये पलटना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, बच्चा के यहाँ से आपका 3 बचे। ठीक है, आपका इस तरह से भी आंसर आए और आपका इस तरह से भी आंसर आए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो करें। ठीक है, वैसे आप इसे सिर्फ देख के भी आंसर बता सकते हैं। बी ऑप्शन किसका मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5/9, 8/9, 7/9, 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक करिए क्या सभी के हर समान है, क्या मैं देख रहा हूँ क्या सभी के हर समान, अगर सभी के हर समान है जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। देखिए किसका अंश सबसे बड़ा है, मैं देख रहा हूँ ये सबसे बड़ा, अर्थात आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 8/9। सी ऑप्शन किसका मैच। इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये चेक किया कि सभी के हर समान है, मैंने आपसे क्या बोला, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश कौन दिख रहा है, यही तो 8 दिख रहा है, अर्थात आप बता सकते हैं इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3/7, 5/7, 6/7, 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या सभी के हर क्या समान है, क्या मैं देख रहा हूँ सभी के हर क्या समान है। अब आपको ये चेक करना है कि किसका अंश सबसे छोटा है, जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। मैं देख रहा हूँ यही तो अंश में सबसे छोटा है, अर्थात आप बता सकते हैं इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/7। तो बी ऑप्शन किसका मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी ये 4 ऑप्शन दे दिए, हमसे ये पूछा है कि इन 4 ऑप्शनों में सबसे छोटी भिन्न कौन से, हमसे यही पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करिए, अब यहाँ पे देखिए हर क्या सभी के समान नहीं है, यहाँ पे क्या हर सभी के समान नहीं है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको करने के अंश और हर का क्या करना, अंतर करना। अगर आप यहाँ से अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। जो भी अंतर मिलेगा आपको क्या करना, अंश वाले में भाग दीजिए। अगर आप 1 से 24 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 24 बार जाएगी।
यहाँ से भी क्या करना आपको, अंतर करना। अगर आप यहाँ से अंतर करें, अंतर कितने का मिलेगा, 1 एंगल। इस अंतर से क्या करना, इसमें भाग देना, 10 बार भाग जाएंगे। यहाँ से सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ से कितनी बार जाएगी, 99 बार जाएगी। यहाँ से भी अंतर करें, 1 का मिलेगा, यहाँ से भाग कितनी बार जाएगी, 68 बार। ऐसा करने के बाद अब ये चेक करिए इनमें सबसे छोटा कौन है, क्या पूछा, सबसे छोटी भी पूछा ना, इनमें चेक करिए सबसे छोटा कौन, मैं देख रहा हूँ ये सबसे छोटा 10, अर्थात सबसे छोटा क्या 10, अर्थात आप ये बता सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, यही होगी, यानी कितना हो जाएगी 10/11 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बसों में सेवन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यानी इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा, सबसे पहले क्या करना आपको, अंश और हर का क्या करना, अंतर करना। आप यहाँ से अंतर करेंगे, अंतर कितने का मिले, 1 का मिले। जो भी अंतर मिलेगा आपको क्या करना, अंश वाले में भाग देना। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगी, 2 बार जाएगी। यहाँ से अंतर करेंगे, अंतर कितने का मिलेगा, यहाँ से 1 का मिलेगा। इससे क्या करना, इसमें भाग देना, भाग कितने बार जाएगी, यहाँ से 3 बार जाएगी। यहाँ से अंतर करेंगे, अंतर कितने का मिलेगा, यहाँ से 4 का अंतर मिलेगा। अब करने के इससे इसमें भाग देना, 4 एकम 4 हो गया, अब 10 और लग गया, 4 2 8, 4 5 20, इतनी बार भाग जाएगी। अब यहाँ से क्या करना आपको, अंतर करना है। अगर आप यहाँ से अंतर करेंगे, अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। इसमें भाग देंगे, 2 3 6 हो गया, और बचा कितना, 1, 1 में भाग जाएंगे, 2 5 10 हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा ना, ऐसा करने के बाद अब ये चेक करिए इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। मैं देखो सबसे बड़ा कौन है, 3 है। सबसे बड़ा कौन है, 3 है, अर्थात आप बता सकते सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, 3/4 हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न यही तो होगी ना। देखिए कौन से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2/3, 3/5, 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये तय करें कि सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। आप यहाँ से क्या करें, डिफरेंट करें। अगर आप यहाँ से अंतर करें, 1 का अंतर मिलेगा, इससे क्या करना, आंसर में भाग देना, तो भाग 2 बार। यहाँ से अंतर करें, अंतर कितने मिले, यहाँ से 2 का मिलेगा, इससे क्या करना, इसमें भाग देना, तो 2 1 कम 2 हो गया, और 2 5 10 हो गया। यहाँ से अंतर करें, तो अंतर कितने के मिलेगा, 1 का मिलेगा, इससे क्या करना आपको, आंसर में भाग देना, भाग कितने बजेगा, यहाँ से 5 बार जाएगी। तो पूछे क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, ऐसा करने के बाद ये चेक करें इनमें सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। तो पूछे क्या इन भिन्नों का क्या पूछे, अंतर पूछे, तो आप यहाँ से लिख लीजिए, 5/6 हो गया, यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, छोटी भिन्न क्या है, 3/5, क्या पूछे, अंतर पूछे, आप इसको यहाँ से हटा लीजिए। अब करना क्या इनके एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 × 5 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, इसका इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगी, 25 हो गया, इसका गुणा इसमें करिए कितना हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगी, 18 हो गया। ऐसा करने के बाद देखिए इसमें से घटा लीजिए, अगर आप घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 6 30 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर कितना हो जाएगा, 7/30 होगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, इसको क्या करना है, वो आरोही क्रम में है, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता करें सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन है, हम लोग तभी तो इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है। तो सबसे पहले ये पता करें कौन छोटी है कौन बड़ी, तभी तो हम लोग क्या करें, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या करें, आप डिफरेंट करिए, अगर आप यहाँ से अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। इस अंतर से क्या करना आपको, अंश में भाग, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10.5 बार। यहाँ से अंतर करिए तो अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा, इससे क्या करना, अंश में भाग देना, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। यहाँ से अंतर करिए कितने का मिलेगा, 3 का मिलेगा, इससे क्या करना है, 2 में भाग देना, कितनी बार जाएगी, 10.6 10.6, इस तरह से मिलता रहेगा। यहाँ से अंतर करिए अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा, इस अंतर से क्या करना आपको, अंश में भाग देना, तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार। ऐसा करने के बाद ये चेक करिए क्या करें, इसे आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, तो मैं देख रहा हूँ पहले नंबर पर इसे लिखेंगे, और दूसरे नंबर पर क्या करें, इसे लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे हम लोग इसे लिखेंगे, और चौथे नंबर पर इसे लिखेंगे, ठीक है। तो करना है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि पहले नंबर पर आपकी 1/3 भिन्न आएगी, और लास्ट में क्या आएगी, 6/7 आएगी, ठीक है। देखिए कोई ऑप्शन मैच करा क्या, मैं देख रहा हूँ ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, शुरू में 1/3 है और लास्ट में कितना, 6/7। तो करना है कि आपको यहाँ से लिख ही लीजिए, ठीक है, इनको क्या करें आप लिख लीजिए।
क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना है, दूसरे नंबर पे कौन सी, ये 2/5 है। तीसरे नंबर पे कौन सी है, 3/4 है। और चौथे नंबर पे कौन सी है, 6/7 है। तो ऑप्शन में चेक करिए, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये ऑप्शन ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मैं देख रहा इसका, देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सी ऑप्शन किसका दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका दिख रहा है, सी ऑप्शन इसका दिख रहा है, इसी तरह से। ठीक है, तो करना है कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट करके ये पता करें सबसे छोटी की सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, आपको ये पता चलिए। आप करने के इसे क्या करना, आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम का क्या, बढ़ते क्रम में आप इस तरह से लिख लेंगे, फिर ऑप्शन से मिला लें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, इसको क्या करें हम लोग पलट देंगे, अगर आप इसे पलट देंगे इस तरह से पलट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/3 हो गया। इसका भी तो करेंगे व्युत्क्रम, इसका कितना हो जाएगा, 3/7 हो गया। अब पूछे गए योग, पूछे करने के इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, अब यहाँ से क्या करें, इसका एलसीएम ले लिया, अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3/7 या 7^21 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब करने के इसके यहाँ से गुणा करें कितना आ जाएगा, 7/5 हो गया। इसका गुणा इधर के लिए कितना आ जाएगी, इसका गुणा इसमें करने कितना हो गया, 3^9 हो गया। अब करने के इसको यहाँ से जोड़ लीजिए, अगर आप यहाँ से जोड़ लेंगे तो 35/5 40 हो गया, ऊपर कितना, 44 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 7^21 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 7^21 हो जाएगा, आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी संख्या का 3/4 9 है, वह संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा गया। अगर हम लोग मान ले कि माना हुआ संख्या कितनी, x है। ठीक है, अगर हम लोग मान ले संख्या कितनी, x है, अब कहा क्या है, संख्या का 3/4 आपको क्या करना है, 3/4 यहाँ से निकालना। इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल जा रहा है, 9 मिल जाए, आप इसके बराबर क्या कर लीजिए, 9 कर लीजिए। इसको यहाँ से काट दो, कितने में कटिए, 3 बार में कट जाएगा। अब करने के त्रिक में गुणा करिए, आप त्रिक में गुणा करें यहाँ से कितना गया चाहते हैं, 12 हो गया, अर्थात आप बता सकते कि वह संख्या कितनी है, 12। बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।